एक इबादत है तो ताजमहल उस इबादत की जानदार तस्वीर है। मोहब्बत की इस अजीब इमारत को देखकर लोग आज भी प्यार पर भरोसा करते हैं, क्योंकि प्यार में समर्पण है, त्याग है, खुशी है और वह सब कुछ है जो एक इश्क में होता है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अमेजिंग प्रसाद में। आज हम जानेंगे ताजमहल के बारे में कुछ रहस्यमय बातें जो जिसको जानकर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ताजमहल दुनिया का सबसे सुंदर इमारत है। ताजमहल उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में स्थित है और यह 7 अजूबों में से एक है। माना जाता है कि इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज महल की मौत के बाद उसकी याद में बनवाया था। ताजमहल बहुत सुंदर स्मारक है। यह एक ऐसा स्मारक है जिससे भारत को विश्व में पहचान मिली। बेशक शाहजहां ने ताजमहल को अपने बेगम मुमताज की याद में बनवाया था, लेकिन मुमताज शाहजहां की तीसरी पत्नी थी जो शाहजहां के संतान को जन्म देते वक्त गुजर गई थी। उनके मरने के बाद शाहजहां ने उसके याद में ताजमहल बनवाया। कहते हैं कि बुरहानपुर में मुमताज की मृत्यु हो गई थी, उन्हें वहीं दफना दिया गया था और 6 महीने बाद उनको कब्र से बाहर निकालकर आगरा में ले जाया गया और वहाँ ताजमहल में दफनाया गया। यही नहीं, कहा तो यह भी जाता है कि जब तक ताजमहल बनकर तैयार नहीं हुआ तब तक मुमताज को लेप लगाकर मम्मी के रूप में रखा गया था। लेकिन सच्चाई आज भी रहस्यमय है। यमुना नदी के किनारे बने ताजमहल का निर्माण का काम 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसे बनने के पूरा होने में 22 साल लगे थे। आज के दौर में बढ़ते प्रदूषण के कारण ताजमहल पर असर हो रहा है, इसलिए ताजमहल के कुछ हिस्सों पर मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग किया गया है, लेकिन रंग पर अभी तक कोई असर नहीं हुआ है। विश्व धरोहर ताजमहल फारसी, इस्लामी और हिंदू धर्म का एक अनोखा संगम है। इसके चलते यूनेस्को ने साल 1984 में इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया था। ताजमहल के मुख्य मार्गों के बीच जो फवारे लगे हैं वे किसी पाइपलाइन से जुड़े नहीं हैं, बल्कि हर फवारे के नीचे एक तांबे का टैंक है। ये टैंक एक ही समय पर भरते हैं और एक ही समय पर फवारे छोड़ते हैं। ताजमहल की नकल भी औरंगाबाद से मिलती है। यह ताजमहल की कॉपी कैट है। इसे बीबी का मकबरा या मिनी ताजमहल कहते हैं। ताजमहल से जुड़े हिंदू पक्ष के दावे, हालांकि इन दावे का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, दावा करते हैं कि ताजमहल एक शिवलिंग था जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक था, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है यह कहना मुश्किल है। हिंदू पक्ष के अनुसार ताजमहल एक शिव मंदिर है जिसकी असली नाम तेजो महल है। आमतौर पर माना जाता है कि ताजमहल नाम मुमताज महल जो कि वहां पर दफन कर दी गई थी उसके नाम पर पड़ा, पर यह बात दो कारणों से सही नहीं लगती। पहली तो यह कि शाहजहां की बेगम का नाम मुमताज महल नहीं था। दूसरा यह कि किसी भी इमारत के नाम को रखने के लिए मुमताज महल के नाम से मुम को हटा देना का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ताजमहल शब्द में आए महल मुस्लिम शब्द है ही नहीं। अफगानिस्तान से लेकर अल्जीरिया तक किसी भी मुस्लिम देश में एक भी ऐसा इमारत नहीं है जिसके आगे महल का नाम दिया गया हो। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। ऐसा प्रतीत होता है कि तेजो महल उर्फ ताजमहल उनमें से एक है। जल हरि को नाग के द्वारा लपेटा हुआ शिवलिंग जिसे आज ताजमहल के रूप दे दिया गया है। जब से उस पर शाहजहां ने कब्जा किया है तब से उसकी पवित्रता और हिंदुत्व समाप्त हो गई है। ये भी दावे हिंदू लोग करते हैं, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। हालांकि इसके बारे में अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राज हमेशा समय आने पर ही खुलते हैं। अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर ताजमहल देखने जाना चाहिए, क्योंकि यह सौंदर्य का प्रतीक है। हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारा चैनल अमेजिंग प्रसाद सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। इस टॉपिक में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।